हेलो डियर लर्नर्स, होप यू डूइंग ग्रेट। सो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, तीन चार टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, जैसे कि हमारा वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, और हम लोगों ने देखा हुआ था साथ ही साथ सम एडजेक्टिव रूल्स। क्या देखा हुआ था हम लोगों ने? सम एडजेक्टिव, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ओके सेंटेंसेस देख लिया है। देन मैंने आपको बता दिया था कि प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, प्रैक्टिस कैसे करना है आपको, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। सो नाउ इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू कि आप कैसे वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव इनके आंसर कर सकते हो इजीली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग ये है स्पीकिंग में कि आपको क्वेश्चनिंग के आंसरिंग करते बनना चाहिए। सपोज दैट मैंने आपसे क्वेश्चन किया, कम्युनिकेशन कैसे होता है? कम्युनिकेशन का एक ही फंडा है, जब आपसे कोई क्वेश्चन करे आपको उसका आंसर दे देना चाहिए। मैंने कहा आर यू डॉक्टर, आपने कहा यस आई एम डॉक्टर। अगर आप हो तो बोलोगे यस मैं, और नहीं हो तो क्या बोलोगे? नो आई एम नॉट अ डॉक्टर, राइट स्टूडेंट? ओके, अभी देखिए हम लोग इसी का प्रैक्टिस करते हैं, बट उसके पहले ना मैं आप लोगों को एक वर्क देना चाहता हूँ, एक छोटा सा होमवर्क टाइप से ये आपका, इसको आप लोगों को ना कंप्लीट करना है। देखिए हम बात करें डेली यूजेस वर्ब्स के बारे में, यू नो वेरी वेल दैट कि वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीकिंग। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ढेर सारा वॉकअप तैयार करो, ढेर सारे सेंटेंसेस के लिए बहुत सारी वॉकअप आप कलेक्शन कर लो, इट्स नॉट ट्रू। आपको सिर्फ ऐसी वर्ब्स के ऊपर कमांड बनानी है, ऐसी वर्ब्स को पढ़ना है, यानी एक प्रकार से रटना है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर बेसिक वर्ब्स ओनली, जैसे कम, गो, टैग, गिव, थिंक, से, स्पीक, टेक, टॉक, टिक, ये सब चीज, ठीक है? टीच, हेल्प, रीड, लर्न, ट्राई, sing, sang, run, swim, think, buy, sell, study, know, drive, sleep, ये सब। तो आपको ना बेसिक वर्ब्स याद करनी। और एक बात बता दूँ आपको अच्छी वाली, कि जिस भी हिंदी वर्ड के लास्ट में, व्हाट डिड आई से, जिस भी हिंदी वर्ड के लास्ट में, जिस भी हिंदी वर्ड के लास्ट में ना लग जाता है वो आपका वर्ब बन जाता है। जिस भी हिंदी वर्ड के लास्ट में ना लग जाता है वो आपका वर्ब बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आना, जाना, उठना, बैठना, हंसना, खेलना, रोना, धोना, सोना, खरीदना, बेचना, सब कुछ क्या है आपका वर्ब ही तो है। सभी के लास्ट में हिंदी का वर्ड ना आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? चले, तो यही जो बेसिक वर्ब्स जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जो एक्टिविटीज करते हो, वर्ब क्या होती है? वर्ब इज ए, सो द एक्शन एंड एक्टिविटीज इज कॉल्ड द वर्ब। ओके, यहाँ सारा का सारा वर्ब्स ही तो है। वर्ब्स क्या होती है? आपकी एक्टिविटीज को शो करता है, या आपके परफॉर्मेंस को शो करता है, या आपके एक्शन को शो करता है, इसी को तो हम वर्ब कहते हैं। तो आपको ना इन वर्ब्स का क्या करना है डियर, इन वर्ब्स में आप लोगों को ना इनके फॉर्म्स होते हैं, कुछ कुछ वर्ब्स की फॉर्म होती है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, और एक होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेसिक फॉर्म बोलते हैं हम लोग इसको। सेकेंड फॉर्म होता है प्रेजेंट, पास्ट, या थर्ड फॉर्म होता है पार्टिसिपल, फोर्थ होता है जेरेंट, पाँचवा होता है सिंगुलर फॉर्म। बट लेट मी रिपीट, फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलोगे? बेसिक फॉर्म। सेकंड फॉर्म को क्या बोलोगे? पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म को क्या बोलोगे? पार्टिसिपल। फोर्थ को क्या बोलोगे? जीरेंट। पांचवें फॉर्म को क्या बोलोगे? सिंगुलर फॉर्म। क्या बोलोगे? सिंगुलर फॉर्म। गॉट इट? एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, गो। गो का मीनिंग आप सभी को पता है क्या होता है? जाना। क्या होता है? जाना। गो की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है आप लोगों की? वेंट। गुड जॉब, आपको याद था। थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है इसकी? गॉन। फोर्थ फॉर्म क्या होता है कि जिस भी फॉर्म में आई एन जी ऐड कर दोगे ना आप लोग, जिस भी फॉर्म में आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी ऐड कर दोगे, वो आपका बन जाता है फोर्थ फॉर्म। गोइंग बन गया आपका आई एन जी। फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा आप लोगों का? एस या ईस लगा करके बनाते हैं। एक मैंने पर्टिकुलर इसके ऊपर वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है, वो एक बार जरूर विजिट करिएगा यूट्यूब में जाकर के, आरजू इंस्टीट्यूट सर्च करिएगा यूट्यूब में, और वीडियो देखिएगा कि कैसे हम लोग वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ। ई एस वहाँ लगाते हैं जिन वर्ब्स के बाद में एक्स, सी एच, डबल एस, ओ, एस एच, ये सब आता है। जिन भी वर्ब्स के लास्ट में एस एच, एक्स, सी एच, डबल एस, ओ आएगा, उनके बाद में हम लोग उसको फिफ्थ फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ई एस जोड़ देते हैं। करेक्ट। ऐसे के एग्जाम्पल लीजिए, कम। कम मतलब आप सभी को पता है क्या होता है? आना। कम मतलब क्या होता है? आना। कम की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है? कैम। थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है फिर से? कम, कैम, कम। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाती है?
कमिंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या जाती है, कम्श। अब फिर से आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा क्या श, आपने बताया कि कम में आता है सी ओ एम, यहाँ का ई कहाँ हट गया? आई जी जब आपने बनाया तो इसका ई आपने कहाँ हटा दिया? आपको नहीं आती इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाते सर, आप गलत ही पढ़ा रहे हो। हाँ अरे भाई मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये ब्रिटिश लोगों का और एक ग्रामर है एक प्रकार से। तो ग्रामर में क्या होता है, जब भी वर्ब के लास्ट में ई आता है और जब हम उसको आई एन जी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उस ई को रिमूव कर देते हैं। समझ में आया? ओके तो ऐसी आपको ना कुछ कुछ फॉर्म्स है वर्ब जो बेसिक वाले, उनकी पांच फॉर्म आपको याद करनी है। पांच मत करो, तीन ही फॉर्म याद कर लो। कौन कौन सी कर लो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर लो आप लोग, वर्ब सेकेंड फॉर्म कर लो, वर्ब का थर्ड फॉर्म कर लो। इसमें भी देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आप लोगों को याद ही रहता है बेसिक वाला, तो है ना, उसका हिंदी मीनिंग याद करोगे वो आपको ऑब्वियसली याद हो जाएगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म की बात है तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपको याद करनी पड़ेगी। अब मैं थोड़ा आपके दिमाग में चिप ला करके डाल दूंगा, अगर मैं ब्रिलियंट होता, मेरे पास ऐसा, मैं अगर एक साइंटिस्ट होता और मेरे पास ऐसा जादू होता कि मैं आपके दिमाग में एक चिप लाता और डाल देता, तो मैं तो ना जाने कितना पैसा कमा लेता यार, चिप बेच बेच के। हाँ तो वो क्या है कि आपको खुद से याद करना, थोड़ा तो एफर्ट डालना पड़ेगा ना, खाना खाने के लिए भी तो हाथ चलाने पड़ते ना, वैसे ही आपको ये याद करना पड़ेगा। अरे एक दो दिन में हो जाएगा, एक दो बार ट्राई करोगे। चल तो कुछ कुछ वर्ब्स मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो आप खुद ही से ट्राई करोगे। पूरे ही मैं बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे घर में, हा? खाली पीली थोड़ा ना बैठना है, इंग्लिश ऐसी थोड़ा ना सीखोगे। कम का बता दिया, गो का बता दिया। देखिए टेक, टेक की सेकेंड फॉर्म क्या जाती है, टेक टुक टेकन, ऐसे याद करना, टेक टुक टेकन। ओके ग्यू की क्या हो जाएगी, ग्यू गैव गिवन। सी की क्या हो जाएगी, ऐसे बताओ, शीशा सीन, शीशा सीन। थिंक की क्या हो जाएगी, वाह आपको तो याद है यार, थॉट, थर्ड फॉर्म भी तो जाती है थॉट। से की क्या हो जाएगी, से यानी कहना, आप मुझसे कुछ कहते हो, यू से समथिंग टू मी, आपने कल मुझसे कुछ कहा था, यू हैड सैड टू मी। ओके अब देखिए से की सेकेंड फॉर्म क्या जाती है, शेड, थर्ड फॉर्म भी सेम हो जाती है। स्पीक, स्पीक मतलब होता है बोलना, आप ना बहुत अच्छा बोलती हो, यू स्पीक वेरी वेल, आपने कल इंग्लिश बोला था, यू स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। स्पीक की सेकेंड फॉर्म क्या जाती है, स्पीक स्पोक स्पोकन, गॉट इट। तो आपका ना ये छोटा सा होमवर्क है, यू हैव टू कंप्लीट दिस होमवर्क विद इन टुमारो, कल तक आपको ये कंप्लीट करना है। देखिए ऐसे और कुछ कुछ बता दे रहा हूँ मैं आपको। टेल, टेल मतलब तो कहना, कहना या बताना या बात करना, ठीक है। टेल मतलब होता है कुछ कहना, ठीक है। टेल के सेकेंड फॉर्म में जाती है टेल, टोल्ड, टोल्ड। इसके बाद देखिए टॉक, टॉक मतलब होता है बात करना, तो टॉक की क्या हो जाएगी, टॉक्ड, थर्ड फॉर्म भी टॉक्ड हो जाएगी। प्ले का तो आपको पता है, प्ले प्लेड प्लेड, खेलना। ये देखिए ये जो नीड है ना, इसका याद मत करो, ये एक पर्सनल इंडिविजुअल ग्रामर है, तो हम लोग इसको वहाँ पर पढ़ लेंगे। और एक ऐसी है ये वॉन्ट, ये वॉन्ट भी एक ग्रामर है, तो इसको हम लोग ग्रामर के टाइप में पढ़ लेंगे। नीड, मैंने कहा आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको ना क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत है, यू नीड टू ज्वाइन द क्लास। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है, यू नीड टू गो देयर। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। नायरा मुझसे मिलना चाहती है, नायरा वॉन्ट्स टू टॉक, नायरा वॉन्ट्स टू मीट मी। क्या आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास। देखिए वॉन्ट आ रहा है इन सब में, तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं आपके वॉन्ट के सारे सेंटेंसेस जो हैं आपके ना, ये आपके क्या हैं, यही तो आप लोगों के डियर सेंटेंसेस है। सो आई होप कि आप लोगों को ये तो समझ में आया होगा कि वर्ब कैसे बनानी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके गुड जॉब। हम लोगों ने ये देख लिया वर्ब कैसे बनाते हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि आंसर कैसे करना है। ये तो हमारा होमवर्क टाइप से था, अब हम करते हैं हाउ टू गिव द आंसर ऑफ टू बी। सबसे पहले मैं टू बी का ही बताता हूँ। आपको पता है कि आप तीन केसेस होते हैं,
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मीनिंग था है, पास्ट का मीनिंग था, फ्यूचर का मीनिंग है होगा। अब देखिए प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट, यही था ना, कुछ दूसरा तो नहीं था। देख लो, सब्जेक्ट वॉज वो एंड ऑब्जेक्ट, करेक्ट। फ्यूचर में क्या था, सब्जेक्ट विल बी देन ऑब्जेक्ट। अगर मैंने आपसे इसका इंटरगेटिव पूछा, ये तो सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, ये सारे के सारे क्या थे आपके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरगेटिव सेंटेंसेस। इंटरगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं, इंटरगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हिंदी के वर्ड क्या से होती है, जिन सेंटेंस के स्टार्टिंग हिंदी के वर्ड क्या से होती है वे आपके इंटरगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। लेट मी रिपीट, जिन सेंटेंस की स्टार्टिंग हिंदी के वर्ड क्या से होती है वो आपके इंटरगेटिव होते हैं। इंटरगेटिव में क्या करते थे हम लोग, इज एम आर को सामने लेकर के आते थे, तो कर देते हैं वही, इज एम आर, देन आपको आ जाता था सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, राइट। ये था आपका इंटरगेटिव सेंटेंस। अभी आपको अगर पास्ट का बनाना होता तो क्या करते थे आप लोग, वॉज वर्ब सामने ला देते थे। ये तो आपको रट गया होगा ना, आप लोगों ने याद तो कर ही लिया होगा, ये मैंने आपको कब से पढ़ा के रखा हुआ है ये। देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, इसका इंटरगेटिव क्या बनेगा, विल को सामने लाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, यही था, सिंपल है। अब ये तो बात हो गई हमारी प्रीवियस क्लासेस के बारे में कि जो जो हमने कंप्लीट किया हुआ था। अभी देखिए आप लोग सेंटेंसेस की स्टार्टिंग क्या वर्ड से होगी, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आप डॉक्टर हैं, क्या आप डॉक्टर हैं। आपसे मैंने क्वेश्चन किया क्या आप डॉक्टर हैं, आपके दिमाग में दो ही चीज आएगी। मैंने आपसे क्वेश्चन किया क्या आप डॉक्टर हो, आपके दिमाग में ना दो ही चीज आएगी। अगर आप हो डॉक्टर तो आप आंसर कैसे करोगे, यश में करोगे, और नहीं होंगे तो नो में करोगे। दो ही आंसर हो सकते हैं, इसके अलावा तीसरा आंसर कुछ नहीं हो सकता। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था क्या आप डॉक्टर हैं, आर यू डॉक्टर, आर यू डॉक्टर। आप इसका आंसर कितने तरीकों से करोगे, ओनली यू हैव टू टाइप्स फॉर गिविंग द आंसर, फर्स्ट इज यस एंड सेकंड इज नो। अब आपको क्या करना होगा, जब आप यस में आंसर करोगे, और आपको पता ही है क्या केस है, प्रेजेंट का केस है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे यस में, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट is, am, are, then object, and here subject is, am, are, not, then object, यही। अगर यस में आंसर करना है तो इज एम आर लगा करके बताना होगा, अगर नोट में देना है यानी कि नेगेटिव देना है, नो में आंसर करना है तो इज एम आर के बाद में नॉट लगाना होगा। आंसर बना लेते हैं इसका, मैं आपको एक ही बताऊंगा, बाकी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा आर यू डॉक्टर, तो आप कहते हैं यस आई एम डॉक्टर, यश आई एम डॉक्टर, नो आई एम नॉट डॉक्टर, नो आई एम नॉट डॉक्टर, यस आई एम डॉक्टर, नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। जब आप ये यस नो का आंसर देते हो ना, तो एक फीलिंग, एक एक्सप्रेशन आना चाहिए आपके अंदर से। मैंने कहा आर यू इंजीनियर, यस आई एम इंजीनियर, नो आई एम नॉट इंजीनियर, आर यू माई फ्रेंड, यस I'm your friend. No, I'm not your friend. No, I'm not your friend. अब एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, क्या अगर आपका क्वेश्चन यू से स्टार्ट होता है, यानी कि यू से आता है आपका क्वेश्चन, तो उसका जो आप आंसर करते हो वो देते हो आप आई में। अगर आपके क्वेश्चन में आई आ रहा है तो आप आंसर में करते हैं यू, अगर आपके क्वेश्चन में आ रहा है योर तो आप आंसर में देंगे माय, और अगर आपके क्वेश्चन में आ रहा है माय सो आपका आंसर होगा योर से। एग्जाम्पल ले लूँ मैं एक, हमने कहा आर यू इंजीनियर, तो आप आंसर में क्या बताते हो, आप बताते हो यस या तो फिर नो, तो आप क्या कहते हो, यस आई एम इंजीनियर, नो आई एम नॉट इंजीनियर, नो आई एम नॉट इंजीनियर। तो देखिए आप दोनों केसेस में देख पा रहे होंगे कि आपने यू को रिप्लेस कर दिया आई में,
आपने यू को रिप्लेस कर दिया आई में, देख पा रहे हो यहाँ पर यू था लेकिन आपने आई दिया आंसर में, क्यों? क्योंकि मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ तो आप आंसर में क्या, तो मैं, मेरे लिए तो आप क्या हो, यू हो, लेकिन आप खुद के लिए क्या हो, आप आई हो खुद के लिए। आई मतलब स्वयं, यू मतलब सामने वाला, दे मतलब बहुत सारे लोग, गॉट इट? ये चीज समझ में आई। जैसे मैंने कहा इज दिस योर मोबाइल, इज दिस योर पेन, इज दिस योर पेन, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, इज दिस योर पेन, आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मैंने यहां पर क्वेश्चन में लिया योर, आपके आंसर में क्या देगा, यस दिस इज माई पेन। तो देख पा रहे हो आपने योर को कन्वर्ट कर दिया माई में, देखा आप लोगों ने कैसे खेला हो गया इधर पे। सो यहां से हमने सारी चीजें देख लिया। अब ऐसे देखिए पास्ट में, अगर आपको पास्ट का कैसे पूछूं मैं, क्या आप डॉक्टर थे, तब आप आंसर में क्या कहेंगे मुझे, यस मैं डॉक्टर था, और नहीं थे तो क्या कहोगे, नहीं यार मैं तो डॉक्टर नहीं था, मैं तो इंजीनियर था, राइट? यही तो बताओगे ना आप लोग। देखिए मैंने आपसे पूछा क्या आप डॉक्टर थे, तो आपने क्या कहा, वर यू डॉक्टर, तो यहाँ पे क्या बन जाता, वॉज, वर आ जाता, अगर नेगेटिव बनाते तो क्या जाता, वॉज, वर, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट, यस आई वॉज डॉक्टर, नो आई वॉज नॉट डॉक्टर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे, पास्ट में भी सेम है, फ्यूचर में भी ऐसे ही हो जाएगा। फ्यूचर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, विल यू बी माई बेस्ट फ्रेंड, तो आप क्या कहते हैं, यस आई विल बी योर बेस्ट फ्रेंड, नो आई विल नॉट बी योर बेस्ट फ्रेंड, आई विल नॉट बी योर बेस्ट फ्रेंड, समझना इस बात को। इसमें ना आंसर देने का दो तरीका है, एक यस और नो, इसको थोड़ा सा स्पीकिंग करके देखिए, यस सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट, लेकिन जब नेगेटिव बनाते हो तो आप लोग क्या करते हो, विल के साथ में नॉट बीच में कनेक्ट कर देते हो, बी और विल के बीच में, ओके देन ऑब्जेक्ट। स्पीकिंग करके देखते हैं, विल नॉट बी को ना आप एक साथ बोलने का ट्राई करिए, क्या कहा मैंने, आप विल नॉट बी को एक साथ बोलने का ट्राई करिए, विल नॉट बी, 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 विल यू बी माई, आपने एक सेंटेंस बहुत पॉपुलर वाला सुना होगा, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड होंगी, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये सेंटेंस आपने कॉमन वाला सुना होगा, तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो डियर नो आई विल नॉट बी योर गर्लफ्रेंड, आई विल नॉट बी योर गर्लफ्रेंड, आई विल बी योर सिस्टर, आई विल बी योर सिस्टर। सो हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट का आंसर कैसे करना है, पास्ट का आंसर कैसे करना है, फ्यूचर का आंसर कैसे करना है। अपना कुछ प्रैक्टिस करते हैं, विदाउट प्रैक्टिस यू आर जीरो, विदाउट प्रैक्टिस यू आर नॉट हीरो, ओके, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्पीक वेरी फ्लुएंटली, इफ यू वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश सो यू मस्ट प्रैक्टिस मोर एंड मोर। सो लेट्स गो टू द सेंटेंस प्रैक्टिसेशन। सो नाउ यू कैन सी ऑन द वाइट स्क्रीन, दिस इज अवर बुक, एंड इन दिस बुक लॉट्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल। तो देखिए आप सभी के पास में, शायद जो जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है उनके पास में बुक अवेलेबल होगी। मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखा है, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, इट्स माई बेस्ट लाइन। इसके बाद में देखिए, अगर आप लोग पेज नंबर इधर में आते हैं तो आपको देखने मिलता है यहाँ पर कुछ कुछ सेंटेंसेस, इट विल बी हेल्प टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग। देखिए ओ जस्ट अ मोमेंट, लुक एट हियर, आप अब यहां पर बहुत सारे सेंटेंसेस देख सकते हो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के। आपको कुछ कुछ सेंटेंसेस, सबसे पहले हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेंटेंस आपके पास में लिखा है इसी टीचर, मैंने आपको कल ही बताया था कि आपको इनके सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन में पहले प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप इनका आंसर में प्रैक्टिस करेंगे। ये बुक को जब हमने डिजाइन किया तो यही सोच करके डिजाइन किया था कि यहाँ पे आप तीन तरीके से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर पाएंगे, पहला ट्रांसलेशन, दूसरा आंसर, तीसरा उनका लॉन्ग वे में आंसर कैसे करना है। सो आपका पहला सेंटेंस है इसी टीचर, इसी टीचर, क्या वह टीचर है, ट्रांसलेशन तो यही बना, अगर होगी तो आप क्या बोलोगे, यस वो टीचर है, और नहीं होगी तो क्या बोलोगे, नहीं है यार वो टीचर, तो अगर होगी तो क्या बोलोगे आप लोग, अगर होगी तो आप क्या बोलोगे, यस में आंसर करोगे, और अगर से नहीं होगी टीचर तो आप करोगे आंसर नो में, दो ही आंसर हो सकते हैं, इसके अलावा कोई थर्ड आंसर नहीं होगा। इसी टीचर अगर होगी तो यस में देंगे, लेकिन देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे ना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि बनाना कैसे आंसर, कुछ नहीं करो भाई, मैंने आपको बताया ना जो जो सब्जेक्ट
आई का यू हो जाता है, यू का आई हो जाता है, माई का योर हो जाता है, योर का माई हो जाता है। तो इनको छोड़ के बाकी जो भी सब्जेक्ट आएंगे तो उनकी एज इट इज जो हेल्पिंग वर्ब है या फिर आप बात करें जो सामने उठ करके जो वर्ड आया है उसको एज इट इज आप पीछे कर दोगे। ठीक है, जैसे मैं आपके आगे आ गया तो आपने बोला अरे सर सर साइड हट जाओ पहले आप, तो पहले आपने मेरे को हटा दिया उधर से वैसे। हाँ लेकिन अगर कोई बॉडी बिल्डर आदमी आ जाता तो कैसे हटाते हैं, हाँ हटा देते क्या, इसलिए नहीं हटाते ना ऐसे। तो आपने यहाँ पर देखिए इज आया तो इसको सब्जेक्ट के बाद कर देना, क्योंकि अफर्मेटिव बनाते हैं आपको पता है अफर्मेटिव का प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट। इसका यूज कहाँ करते हैं, ही सी इट नेम नाउन सिंगुलर के साथ में, आर का यूज कहाँ करते हैं, यू वी दे नाउन प्लूरल के साथ में, एम का यूज कहाँ करते हैं, आई के साथ में। गॉट इट? अभी हमने कहा इससे टीचर आपका आंसर आएगा दिमाग में, अगर वो है टीचर तो आपके बताओगे यस सी इज टीचर, यस सी इज टीचर, और नहीं है तो नो सर सी इज नॉट टीचर, सी इज नॉट टीचर, नहीं नहीं वो टीचर नहीं है वो तो इंजीनियर है। नो सी इज नॉट टीचर सी इज इंजीनियर। अगर आपको ना कोई आंसर को शॉर्ट वे में नहीं देना, थोड़ा सा दिखाना है कि हमको आता है थोड़ा बहुत इंग्लिश, डेरिंग वेरिंग मानना है, हाँ हमको आती है इंग्लिश विंग्लिश, तो ना इंग्लिश को थोड़ा हवा बनाने की कोशिश करो, थोड़ा ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा आर यू गुड डांसर, नो नो आई एम नॉट अ गुड डांसर, आई एम अ गुड टीचर। ओके मैं अच्छा डांसर नहीं हूँ, मैं एक अच्छा टीचर हूँ। आपसे मैंने पूछा आर यू माई बेस्ट फ्रेंड, नो नो आई एम नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर सिस्टर। ओके आपसे किसी ने पूछा इज दिस योर कार, इज दिस योर कार, क्या ये आपकी कार है, यस यस दिस इज माई कार। ओके ऐसे नेक्स्ट है इज दिस गुड बुक, इज दिस गुड बुक, आपको समझ में आ रहा है, इज दिस गुड बुक, मैंने आपसे पूछा कि क्या यह अच्छी किताब है, इज दिस गुड बुक, तो आप क्या बोलोगे, अगर होगी तो आप बोलोगे यस दिस इज गुड बुक, अरे ऐसे ही तो बोलोगे यस दिस इज गुड बुक, बनाना है तो दिस इज गुड बुक, और नेगेटिव बनाना है तो इसके बाद नॉट अप्लाई कर देना, तो क्या बन जाएगा, यस दिस इज गुड बुक, नो दिस इज नॉट अ गुड बुक। ओके समझ में आप लोगों को, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखो आप लोग, वॉज आई टीचर, वॉज आई टीचर, ये देखिए अब पास्ट का आ गया आपका सेंटेंस, हाँ अभी आपका सेंटेंस कहाँ का है, पास्ट का, वॉज आई टीचर, क्या मैं टीचर था, क्या मैं टीचर था, अभी सेंटेंस में आई आया है चेंज करना पड़ेगा। ठीक है तो मैंने आपसे पूछा वॉज आई टीचर, अगर मैं था तो आप क्या बोलोगे, यस अगर था तो आप क्या बोलोगे, यस बोलोगे, और नहीं था तो नॉट बोलोगे, दो ही तरीके से आंसर होगा, या तो यस में होगा या तो नो में होगा। अगर था तो क्या बोलोगे, यस यू वो टीचर, क्या बोलेंगे आप लोग, यस यू वो टीचर, यस यू आर टीचर, और नहीं था तो आप लोग क्या बोलोगे, नो सर यू वर नॉट टीचर, नो सर यू आर नॉट टीचर। नेक्स्ट देखिए ऐसी इज दैट गुड नोटबुक, अगर थी तो क्या बोलोगे, यस दैट इज गुड नोटबुक, नो दैट इज नॉट अ गुड बुक। तो आपको ऐसी ना सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ कुछ कुछ जो अलग से वर्ड आएंगे उनके लिए। जैसे एक सेंटेंस देखिए 24 नंबर का, इसमें आपको बोला जा रहा है कि इज ही ह्यूमरस, इज ही ह्यूमरस, ह्यूमरस का जो मतलब होता है ना पहले तो ये समझ लो, ह्यूमरस मतलब होता है आपका मजाकिया, क्या होता है मजाकिया, जो लोग मजाक वजाक नहीं कहते उनको बोलते हैं मजाकिया। अरे पहले एक आता था 9XM में देखा होगा, सुपर पकौड़ी सब चाहते हैं डर, सब कहते हैं बकवास बंद कर, तो यहाँ पर ह्यूमरस का मतलब होता है मजाकिया, जो मजाक मजाक करते रहते हैं। ठीक है बड़े छोटे की मस्ती आती थी ना वही, अगर यस में आंसर करना है तो यस में दे पाएंगे, नो में करना है तो नो में देंगे, यस में करना है तो ही के बारे में पूछा कोई चेंजेस नहीं होगा, यस ही इज ह्यूमरस, क्या देगा ह्यूम रश, और नो में करना है तो नो ही इज नॉट ह्यूमरस, नो इज नॉट ह्यूमरस, समझ में आया। ऐसे कुछ कुछ सेंटेंसेस और भी हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखिए इज ही स्मार्ट, क्या वो स्मार्ट है, हाँ यार वो तो स्मार्ट है, यस ही इज स्मार्ट, नो ही इज नॉट स्मार्ट, तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनका।
अभी देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस आ रहा है और आप लोगों का, आर यू ग्लूटन, आर यू ग्लूटन। ग्लूटन का जो मीनिंग होता है ना, क्या ग्लूटन का बहुत जबरदस्त मीनिंग होता है भाई, ग्लूटन का बहुत ही जबरदस्त मीनिंग होता है। पता है क्या होता है, पता है क्या होता है? देखो ग्लूटन मतलब होता है भुक्कड़। क्या होता है? भुक्कड़। तुम ना भुक्कड़ हो, यू आर ग्लूटन, यू आर ग्लूटन। देखो वही बना दिया हमने, आर यू ग्लूटन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आर यू ग्लूटन, आपने कहा नहीं नहीं सर हम तो भुक्कड़ नहीं है, हम तो ज्यादा खाना भी नहीं खाते हैं। तो आपसे मैंने पूछा आर यू ग्लूटन, तो आपने क्या बताया? नो सर आई एम नॉट ग्लूटन, ग्लूटन। ओके तो बना लो सेंटेंस यस में, कैसे हो जाएगा? देखो कन्वर्ट कर लो इसको यस में, बताओगे यस मैं तो भुक्कड़ हूँ भाई, यस आई एम ग्लूटन, और नहीं है तो नो आई एम नॉट ग्लूटन। सिंपल बना लिए। अब देखिए 99 नंबर वाला, एम आई सो हैप्पी। यहाँ पर देखो आई आ रहा है, आई को काय में कन्वर्ट करना होता है? यू में। यस में आंसर कैसे दोगे? यस यू आर सो हैप्पी, और नहीं है तो नो यू आर नॉट सो हैप्पी। तो बना लिए हम लोगों ने यस और नो में। अब देखिए समझो इस सेंटेंस को पहले, कि आई का यू क्यों हो रहा है। मैंने कहा एम आई सो हैप्पी, मैं मेरे बारे में पूछ रहा हूँ आपसे, मैं मेरे बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। जब आप आंसर करोगे तो आप मेरे बारे में बताओगे, तो आपके लिए मैं कौन हूँ? यू हूँ ना, और मेरे लिए आप कौन हो? यू हो। लेकिन मैं खुद के लिए क्या हूँ? आई हूँ। आई मतलब आई, आई आई नो आई, मैं खुद हूँ आई। मेरे लिए यू कौन है? सामने वाला पर्सन। मैंने क्वेश्चन किसके लिए पूछा है? आपसे, मेरे लिए पूछा है। तो आपके लिए मैं कौन हुआ? यू हुआ ना। कौन हुआ? यू हुआ ना। ठीक है, तो आप आंसर में क्या करोगे? यू। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, यानी आपका क्या लगता है? आर लगता है, आपको पता है यू आर ग्लूटेन, और नहीं है तो नो यू आर नॉट ग्लूटेन। अब मैंने आपको सारे का सारा बता दिया है, आपको क्या काम करना है, आपको ये सारे के सारे 100 सेंटेंसेस हैं, इनका बोल बोल के, तोल तोल के, जोड़ जोड़ के सेंटेंसेस बनाना है। जितना हो सके बोलो, घर वालों को बता दो कि भाई मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ एंड आई हैव स्टार्टेड लर्न इंग्लिश। ओके सो अगर प्रैक्टिस करोगे तो जरूर सीख जाओगे। ओके सो मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक लेटर बाय, हैव अ गुड डे।